सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति, और दोस्तों आज बनाने वाले हम एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। पर रेसिपी शुरू करने से पहले, जो दोस्त आप मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों करिए वादा आप मेरे साथ कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक कप तुअर दाल या अरहर दाल, जो भी आप इसको कहते हैं। और इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। इससे आपको तीन फायदे होंगे। दाल जल्दी पक जाएगी, आपकी गैस की बचत होगी। जिनको इससे गैस ट्रबल होता है उनको डाइजेशन में आसान हो जाता है भिगोने के बाद, और उनको गैस नहीं बनती पेट में। और तीसरा फायदा दोस्तों, इस तरह से बनाई हुई दाल का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, वो बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाती है, तो टेस्ट और टेक्सचर दोनों बहुत अच्छा आता है दाल का। नेक्स्ट हमको चाहिए यहाँ पर एक बड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ, दो मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए, छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का बहुत बारीक चॉप किया है, हाफ टेबल स्पून लेनी है हमको। एक से दो लहसुन की कली मैंने बहुत बारीक चॉप की है, जो नहीं खाते वो अवॉइड कर सकते हैं। अदरक और लहसुन आपको दोनों बहुत ही बारीक या तो क्रश कर लेना है या बहुत बारीक काटना है, लेकिन यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज फ्लेवर देता है तो दाल का फ्लेवर दबा देगा। दो हरी मिर्च मैंने बारीक काटी है, और थोड़ा सा हम यहाँ पे ले रहे हैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ। नेक्स्ट दोस्तों हमको कुछ मसाले चाहिए होंगे। तो सबसे पहले एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून करीब हमको चाहिए हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच हमको चाहिए जीरा, और स्वाद के हिसाब से हम इस्तेमाल करने वाले हैं नमक का। इसके अलावा दोस्तों तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 4 से 5 चम्मच घी। यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इतना घी यूज़ नहीं करना चाहते, आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। थोड़ी सी हमको चाहिए होगी हींग, और यहाँ पे 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च मैं ले रही हूँ, ये हमको चाहिए तड़का लगाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम दाल को पकने रख देंगे, और इसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर एक कुकर। कुकर पे मैं डाल दूंगी भिगो के रखी हुई दाल, और इसमें मैं डालूंगी करीब 2 ग्लास पानी। नेक्स्ट दोस्तों इसमें 1/4 टीस्पून मैंने डाली है हल्दी, ये थोड़ी हम बाद में डालेंगे। स्वाद के हिसाब से हम नमक डालेंगे। अब हम इसको गैस पे पकने रखेंगे। पहली सीटी आपको हाई फ्लेम पे लगानी है, और उसके बाद आपको 2 सीटी लो फ्लेम पे लगानी है। दाल भिगो कर रखी थी इसलिए इतने में ही पक जाएगी बहुत अच्छे से। दोस्तों दाल हमारी एक साइड बॉईल हो रही है, तो दूसरे साइड में हम एक कढ़ाई रखेंगे, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के घी। दोस्तों जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून करीब जीरा, और जीरा को हम गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे पहले। तो कुछ सेकंड बाद जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन होने लगा है, अब हम डाल देंगे हमारा बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक, चला देंगे इसे, बहुत अच्छा आपका फ्लेवर आएगा दाल में। बट जो लहसुन नहीं खाते वो अवॉइड कर सकते हैं। हल्का सा गुलाबी लहसुन हो गया, अब हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ ही दोस्तों मैं बारीक कटी हरी मिर्च भी यहाँ पे डाल रही हूँ, ताकि मिर्च का अच्छे से फ्लेवर आ जाए, क्योंकि हम यहाँ पे रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रहे हैं, जो कि ज्यादा तीखी नहीं होती, तो इसीलिए ये जो हरी मिर्च है उसको तीखापन देगी। प्याज को हमको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। इसके लिए मैं एक चुटकी नमक यहाँ डाल दूंगी, जिससे प्याज बड़ा जल्दी भुन जाता है और अच्छा भुनता है। स्वाद प्याज का अच्छा आएगा आपकी डिश में अगर आप ये ट्रिक यूज करेंगे तो। दोस्तों जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि दाल उबालते वक्त दाल जो है पूरा पानी गैस पे गिर जाता है और गैस गंदी हो जाती है, तो आप दाल पकाते वक्त जब हल्दी नमक डाला था तभी 1 चम्मच ऑयल डाल के पकाएं, तो दाल का पानी कुकर के बाहर कभी नहीं आएगा। प्याज अभी हमारा अच्छे से गुलाबी हो गया है, और इस टाइम पर हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर डाल के हमने अच्छे से मिला दिया है, और अब हम डाल रहे हैं करीब 2 चुटकी हल्दी, ये अच्छा सा रंग दे, और 1 छोटी चम्मच भर के आपको डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच करीब मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। सबको मिलाएंगे अच्छे से। दोस्तों अब हम इसको ढककर पकाएंगे 3-4 मिनट, और बीच में 1-2 बार चलाएंगे भी, ताकि टमाटर जो है बहुत अच्छे से गल जाए, अच्छे से मैश हो। तो चलिए पहले पका लेते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ देर बाद इसको खोल कर देख लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि तेल जो है वो किनारों पर आ गया है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। मतलब इस तरह थोड़ा स्पैचुला से मैश कर दें टमाटोज को, ताकि अच्छे से वो दाल में मिक्स हो और टुकड़े टुकड़े ना लगें, और मसाले ने तेल छोड़ दिया है तो पूरा अच्छे से भुन चुका है। तो इस वक्त मसाले में हम थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ,
वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें पक जाएगा, तो दाल के अंदर जब भी मसाला मिलेगा तो उसका बहुत अच्छा धनिया का टेस्ट दाल के अंदर आएगा। और धनिया मिलाने के बाद फिर से मैं इसको 30 सेकंड के लिए ढक दूंगी और ढक के थोड़ा सा पका लूंगी। और अब मसाला बहुत अच्छे से रेडी है, जब हम इसको खोलेंगे आपको बहुत अच्छे धनिया की खुशबू आएगी। तो दोस्तों कुकर का प्रेशर निकल गया है और हमने दाल को खोलकर देख लिया है, दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है और रेडी है। इसको अब हम मिला देंगे अपने मसाले में। मसाले और दाल को हम अच्छे से मिला देंगे और आप देख सकते हो दाल पे अच्छा रंग आ गया है। और अब हम इसको एक उबाल लगा लेंगे इस मसाले के साथ ताकि अच्छे से सारे फ्लेवर्स इसमें आ जाएं। तो दोस्तों दाल में उबाल आ गया है, गैस को कर देंगे बंद और इस टाइम पर हमने जो बारीक कटा हुआ बचा हुआ हरा धनिया है वो इसमें ऐड कर देना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि दाल की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है और अब मैं इसको बाउल में सर्व कर लूँगी। तो दाल को हमने बाउल में सर्व कर दिया है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी लिया है एक तड़का पैन में। आप अगर नहीं चाहते तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। और घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मेल्ट करना है। घी हमारा मेल्ट होने लगा है तो अब हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देना है पहले। तो जीरा हमारा यहाँ पर हल्का सा भुन गया है, अब हम डाल देंगे 2 चुटकी करीब हींग। और हींग के साथ ही डाल देंगे हम 3 से 4 साबुत लाल मिर्च जो हमने लेके रखी है। और इनको हम हल्का सा सब चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल जला नहीं देना है आपको, बस थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए मिर्चों का और मिर्चें देखने में भी खूबसूरत हो जाएंगी। और 2 सेकंड बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम ले रही हूँ मैं कश्मीरी मिर्च पाउडर। तड़का रेडी है दोस्तों, गैस को बंद कर दीजिए तुरंत और इसको फटाफट से दाल के ऊपर पोर कर दीजिए। तो फटाफट से अब हम इस तड़के को पोर कर देंगे इसके ऊपर। तो लीजिए दोस्तों हमारी झटपट से रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का बिल्कुल तैयार है। इसको गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए चपाती के साथ, नान के साथ या फिर चावल के साथ, जैसे भी आप पसंद करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है दोस्तों तो इसके नीचे का लाइक बटन हिट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।